गाइस मेहंदी लग रही है एक्चुअली ना. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर मनु. जय श्री राम. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. एक्चुअली ऐसी कुछ प्रिपरेशंस हुई नहीं करवा चौथ की जो मैं आपको दिखाऊं या बता पाऊं. अब ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है कि क्यों नहीं हुई है ऐसा कुछ, बट बस ऐसे ही. मतलब एक्साइटमेंट ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट नहीं होता इन सब चीज़ों का, बट एक्साइटमेंट है. बट मैं ना मतलब जैसे होता है कि लोगों की मेहंदी वाली बुक हो जाती है, मेकअप फेशियल बुक हो जाते हैं और नई नई ड्रेसेस तैयार हो रही है, ये शॉपिंग हो रही है, वो शॉपिंग हो रही है. अब नहीं होता यार. मतलब मैं ठीक है, हमारे पास रखा है, हम तैयार होंगे कल, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, बट फिर भी ना मतलब आई डोंट नो कि वो चीज़ें नहीं होती अब कि ये दे शॉपिंग पे शॉपिंग ले मेहंदी वाले वो कर रहे हैं. तो इसीलिए जो है मैं मतलब वो अच्छी बातें करना चाहिए सबको ना, साल में एक बार त्यौहार आता है, बट आई डोंट नो मतलब थोड़ा सा ना दिमाग ऐसे ही डाउन चल रहा है. जतिन की तबीयत ख़राब है और मैं ना मतलब चाहते हुए भी मतलब मैं नहीं जा पा रही हूँ. मुझे इतना अंदर से इतना दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती यार. मतलब कभी कभी तो ना मेरे को बैठ के रोना ऐसे हो जाता है, पर ना मतलब क्या ही करें. होता है ना कि आप दूर रहते हो तो बहुत ऐसे होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करना कि यार. तो बस मतलब कर ले करवा चौथ. और तो ना उसको क्या हुआ एक्चुअली ना, डेंगू हुआ है. तो कब की बात है, लास्ट फ्राइडे या थर्सडे की बात है, आज हो गया है ट्यूसडे. तो थर्सडे फ्राइडे के ऐसे कुछ बात है, उसका कॉल आया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और ऐसे ऐसे लग रहा है. तो फिर CBC करवाई, तो फिर उसके प्लेटलेट काउंट कम आ रहा था, फिर वो घर चला गया. और फिर मतलब अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट वगैरह, सब कुछ चल रहा है. बट यही है कि इन सब चीज़ों के चलते आपको बाकी चीज़ों का एक्साइटमेंट भी नहीं होता है. सबसे बड़ी बात ये होती है ना यार, आप जा नहीं सकते. चाहते हुए भी ना मतलब मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती मेरे घर की कंडीशन, मतलब मेरी पर्सनल, मतलब मेरी मनीष की, या कुछ है ऐसी चीज़ें मतलब हो गई है. मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं नहीं जा सकती यार. इतना मतलब क्या बताऊँ यार. तो अभी जो है मैं लगी थी, मतलब ऑफिस से आ गई थी मैं, और मैं लगी हूँ अपने मेहंदी लगाने. मतलब जैसी तैसी जो भी आती है मेरे को, बस वैसा कुछ लगा रही हूँ मैं. अब यहाँ मतलब लगवाने जाओ ना तो अभी तो इतना जैसे सीज़न चल रहा है तो ये लोग एक हाथ के ही 500-600 रुपये ले लेते हैं. अब मैंने सोचा कि एक हाथ में जैसे तैसे मैं अभी बैठी हूँ ऑफिस का काम, अभी जस्ट मैंने लैपटॉप शट डाउन किया है. आज फास्ट था, मंगलवार था, तो आते ही मैंने तो 5:30 के आसपास खाना खा लिया था. मम्मी को बोल दिया था मैंने, मैंने कहा आप कड़ी बाटी बना लो, तो मैं आई तब तक बना लिया था. मनीषा भी जिम गए हुए हैं और अभी मम्मी खाना खा के चीकू को लेके नीचे गई हुई है कि इसको घुमा लाती हूँ. मैंने कहा घुमा लाओ, मैं नहीं जा पाई आज. तो बस वही है, मैं बैठ के ऐसे और इतना मतलब बेमन के लगाओ तो इतनी सड़ी सी मेहंदी लग रही है. मतलब क्या बताऊँ, ना कोई डिज़ाइन ना कुछ ऐसे, तो बस जैसा तैसा लग रही है. तो मैं लगा लेती हूँ एक हाथ में, और एक हाथ में जो है वैसे देखो कैसी खराब सी हो गई है ये लच्छा जो मौली बंधी हुई है इससे हो गई है इधर उधर. तो ये तो मैं सही कर लूँगी. बाकी अभी जो है मैं जो है मतलब अभी मेहंदी कंटिन्यू लगाऊंगी. खाना वाना हो गया तो एक आध थाली जो मनीष खाएंगे वो साफ करनी, तो मम्मी बोली मैं कर लूँगी, तू आराम से लगा ले. तो बस वही है कि मेहंदी लगाते हैं कल. ऐसा कुछ है नहीं कि नया कुछ परचेज किया है या कुछ, बस करवा चौथ की पूजा के और जो मम्मी की साड़ियाँ ज़रूर मैंने ली है. मतलब वैसे दिवाली के एक करवा चौथ पर हो जाती है तो वही दिवाली पर पहन लेंगे, तो हमारी तरफ से एक दिवाली गिफ्ट हो जाता है मम्मी को. तो अच्छी सी साड़ी मैं दिला लाई थी इनको गए थे, तो वो साड़ी आ गई है. बस मैं तो कोई सी भी साड़ी, बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है तो उनमें से कोई देख के पहन लूँगी. ऐसा कुछ मेरा अभी तक दिमाग में नहीं है कि क्या ज्वेलरी क्या ये क्या वो, कुछ नहीं है दिमाग में ना. तो बस अभी के लिए मैं अपनी मेहंदी लगाती हूँ जैसे तैसे. बाकी जैसे ही मनीष आ जाएंगे मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको. चीकू अभी नीचे गया हुआ है तो मैं सिर्फ घर में अकेली हूँ अब, मैं लगा रही हूँ. और अच्छा हुआ चीकू लगाने में नहीं दे रहा था मेरे को ना. तो चलो अभी मैं लगाती हूँ, अंदर आपसे मिलते हैं. तो जी मेहंदी मेरी लग गई है और छूट भी गई है, अब तो सूख साख के सुबह दिखाऊंगी. बस बहुत पता नहीं जैसे तैसे लगा ली मैंने, ये देखो मतलब
जो डिज़ाइन आया जैसे आया, सुबह जब कलर आ जाएगा ना, इस मैं हमेशा अर्जेंट वाली मेहंदी लगाती थी जो जल्दी 5-10 मिनट में रच जाती है ना वो, लेकिन इस बार यहाँ पे मिली नहीं। वो तो अच्छा है कि चलो इसने इश्यूज नहीं किए तो मेरे कलर आ जाएगा और सूख गए आराम से। मम्मी भी इसको लेके चली गई थी घुमाने, फिर मतलब मम्मी संभाल रहे थे इसको, खाना वाना सब उन्होंने संभाला, तो मेरी मेहंदी लग गई। तो फाइनली मतलब ये हाथ तो ठीक है, इस हाथ में कुछ नहीं है, तो बस वो जो टिप पे लगाते ना बोरे बोलते हैं हम लोग, दूसरे हाथ में वो लगा लूंगी, पैरों में भी लगा लिया मैंने। बाकी चीकू मेरा ये रहा, बस अभी ये सो जाएगा, दूध पी रहा है। इधर हमने नेट लगा ही लिया, अब इसको अंदर सुलाती हूँ। मैं सोची थी जितनी भी खिरेगी ना, सूख गई है तो वो खिरा के ही सोंगी, अदरवाइज बेड बड़ा गंदा हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी अभी जतिन से बात हुई थी मेरी, तो ही इज़ गुड, मतलब उसकी प्लेटलेट घटती घटती है वापस से ऊपर आने लगी है, थोड़ी बहुत ऊपर आई है, पर बस आई जस्ट होप क्रॉस फिंगर कि सही हो जाए वो जल्दी से ना। तो चलो अभी के लिए मैं इसको सुलाती हूँ एंड देन आपसे मिलूँगी। सुबह उठूँगी सरगी के लिए, सरगी तो क्या मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, जस्ट थोड़ा सा मतलब अगर दूध चाय तो मैं बंद कर दी है अब तो मैंने फाइनली, तो चाय नहीं पीऊँगी, चाय पीने से वैसे भी दिन भर गैस रहेगी, तो मैं तो थोड़ा बहुत दूध ले लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ मनीष के साथ इस वाले रूम में, ऑफिस वाले रूम में, मनीष अपना काम वाम कर रहे हैं और मैं जो है अभी जस्ट दूध फिनिश किया। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुबह सरगी के लिए नहीं उठ रही हूँ, मतलब वैसे ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, आज है करवा चौथ और आप लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं और जा, उठ गया क्या? अरे कहाँ जा रहा है? आ जा, दूध लेके वापस हो जाएगा, आएगा 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 आएगा, मम्मा के पास छोड़ेगा भैया ये तो। तो अभी जस्ट मतलब कितने 8 बजे मैं उठी हूँ, 8:03 पे, मेरा यही था, मैं रात को बोली थी ना, मैंने कहा सुबह उठूंगी मैं 8, 8:30 और उसके बाद जो है मैं अपना बस नहा धो के और चली जाऊंगी पूजा करके, तो यही है। और मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है, और बहुत अच्छा, इस बार अर्जेंट नहीं लाई थी ना, तो मैंने सोचा था कि आएगा नहीं यार कलर, पता नहीं कैसा आएगा। कावेरी करके मेहंदी थी, कावेरी नाम से, नेहा नहीं लाई थी मैं, मैंने कहा नेहा का कभी कलर आता है कभी नहीं आता है, और वो कावेरी का तो बहुत अच्छा कलर आया। बात ही अलग है कि मेहंदी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मैंने खुद ने बनाई है तो मुझे कभी अच्छी नहीं लगती अपनी मेहंदी, ऐसा लग रहा है कचरा 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 सा है ना, लग रहा है ना, देखो लग रहा है ना एकदम, मतलब कचरा 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 ऐसा लगती है मुझे अपनी मेहंदी, कभी अच्छी नहीं लगती। और बस मैं बस जैसे 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 भर लेती हूँ, मुझे लिटरली मजबूरी में लगाती हूँ मैं अपने आप के ना मेहंदी। तो बस जी अभी उठी हूँ, बाहर प्रेस लगा के आई हूँ यार, मैं प्रेस कर रही हूँ मैं अपनी एक कुर्ती, आज अलग से एक बहुत अच्छी सी कुर्ती रखी हुई है मेरे पास, वो रखी ही रहती है, उसमें मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस, जा रही हूँ, मतलब अभी तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो दैट्स वाई लेट हो गया है थोड़ा, 10:30 के आसपास हो गया है, बट ठीक है पहुँचते हैं। वैसे तो जल्दी भी निकलना है आज, बट कोई ना, चलो मैं ऑफिस पहुंच के फिर आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर में। अभी ना थोड़ा सा वॉक करने आ गई हूँ, क्योंकि ना मतलब बैठे 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 बहुत ऐसे गले में ऐसे हो जाता है, मतलब उठ ही नहीं हूँ जब से सीट पे बैठी हूँ, कि क्या काम है, ना पानी पीना है, ना कैंटीन में जाना है, ना कुछ करना है, वॉशरूम भी नहीं गई हूँ जब से आई हूँ, तो बस वही थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं बैठे 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 थोड़ा सा घूम आती हूँ ना, तो बस यहीं लॉबी में ही घूम रही हूँ जी। मैं ना अभी 3:15 हो रहे हैं और निकल गई हूँ, क्योंकि घर पर जाके काफ़ी सारे काम करने हैं। वैसे तो मैंने बताया था कि मम्मी हेल्प कर देंगी, बट फिर भी रात के खाने का भी पहले ही करके रखना है, क्योंकि पूजा के जस्ट बाद का खाना खाते हैं तो वही हो जाता है, बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सारी प्रिपरेशन जो है ना वो अभी करके रखूँगी, तो इसलिए मतलब अभी इन द सेंस वही पहुँचूँगी तो 4:30-5 बज जाएंगे।
तो जी मैं आ चुकी हूँ घर पे। अभी जो मम्मी बना रहे हैं खाजा, मैं बताती हूँ खाजा क्या होता है। मैदा की सिंपल ऐसे पूरी टाइप बना लेते हैं। हमारा चीका अपना पढ़ाई कर रहा है, ये देखो ये देखो। और यहाँ बन रहे खाजा ऐसे जो वो रखे हैं सामने, मैदा की पूरी होती है, कुछ भी नहीं डलता और सिंपल ऐसे गोल गोल कर। कितने बनाने होते मम्मी? 13 13 दोनों के? हाँ अच्छा, तो यहाँ पे बन रहे हैं कुछ, तो मम्मी ने जमा के रख रखे हैं, बाकी फिर अभी बेल रहे हैं ये। जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, वैसे वैसे एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है लिटरली यार। बापरे, अब मैं थोड़ा काटा पीटी का काम कर लेती हूँ, वो जैसे पकौड़ी के लिए जो भी काटना है, गोभी आलू जो भी है, बैटर वगैरह सब कुछ बना के रख दूँगी, और फिर बस ऐसे निकालने का काम रहेगा गरम गरम। तो बस भैया अब ज़्यादा होने लग जाता है शाम को आते आते ना, बट ठीक है, बियरेबल है। आपको लगता है कि आपने इतना टाइम निकाल लिया, तो बस 2-4 घंटे और है यार, 4 भी नहीं, अब तो 4:30 हो गया है। 2-3 घंटे, 1 घंटा तो तैयार होने, खाना बनाने, वैसे ही निकल जाएगा पूजा करने में ना, 2 घंटे निकल जाते हैं आराम से, तो आपको पता नहीं चलता। दिन भर होता है बस ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए आज मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, अभी पिंकू से बात हुई ऑफिस से आते हुए टाइम, तो जतिन इज़ डूइंग फाइन, अब बहुत अच्छा है, मतलब कि पहले से तो बहुत अच्छी रिकवरी है आज तो टच वुड, मतलब मेरे को बस यही था, मैंने कहा ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए यार, तो बस अब ठीक है वो, तो अब मेरा माइंड भी रिलैक्स है। अब मैं जाती हूँ खाना वाना बनाती हूँ। इसको क्या चाहिए, आते ही तो मम्मी है, जाने कहा से एक तो मम्मी बोलना सीख गई, पहले अच्छा खासा माँ बोलते थे। क्या हुआ? लो लो मम्मा दूसरा दे देगी, आ जाओ रख दे, रो नहीं रो नहीं, चलो चलो चलो। सो गाइज, ये था मेहंदी से लेके दिन तक का व्लॉग, शाम हो गई थी एक्चुअली, बट इसके आगे का जो भी व्लॉग है पूजा का, लुक का, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ इतना ही है, इसके बाद मैं रेडी होंगी। क्या लुक था और क्या फुल लुक था इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो, बट फुल्ली क्या पहना था अगर आपने पिक्स देखी है तो आप गैस कर पाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राम।